हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। आई एम रितेश कुमार पांडे। तो आपका सीरीज चल रहा है किसका? इलेक्ट्रिकल का, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज। तो आज आपका डे 7 है। डे 1 to 6 हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं सीरीज़ को, ठीक है? तो आई होप आप लोग घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एग्जाम्स कब होंगे उसकी टेंशन मत लो आप। अभी आपका लर्निंग प्रोसेस है, आप याद कर रहे हैं, तो चीज़ें सीख रहे हैं, आप सीखिए। तो किसके लिए ये क्लास है? जिसको इलेक्ट्रिकल सीखना है बेसिक से, ये उनके लिए क्लास है। जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल आता है, आपको ये क्लास फायदा करेगी। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक कौन से कवर हो चुके हैं? एज यूजुअल हम जानते हैं, चार्ज, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, सर्किट एलिमेंट्स, ओम्स लॉ, सीरीज पैरेलल, किरचॉफ्स लॉ, फिर आपका वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन, नोडल एनालिसिस। यानी कि हमने पिछली क्लास में नोडल एनालिसिस देखा था और हमने प्रॉपरली क्वेश्चंस किए थे। जो क्वेश्चंस थे वो एक अच्छे खासे लेवल क्वेश्चंस थे। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा नोडल एनालिसिस पे, जो आपको देखते कहेंगे ये तो हलवा है, ठीक है? और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं आईएएस और गेट के एग्जाम में, इवन आपके नैलेट एग्जाम में। नैलेट एग्जाम जो होता है वो ईएससी गेट को ही रिपीट करता है। इसमें आपको नियर अबाउट 1 या 130 आपको मिनट मिलते हैं क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चंस बनते हैं। और नोडल एनालिसिस आपका सबसे बेस्ट टूल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अभी आपको फील होगा जब हम प्रैक्टिस और सारी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन आज का। तो आज हम सीखने वाले हैं नोडल एनालिसिस ही सीखने वाले हैं, लेकिन उसमें आपका एक कॉन्सेप्ट होता है सुपर नोड कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है इसकी हम बात करेंगे आज डिटेल में। फिर उसका आपका मेस होगा, फिर आपका मेस एनालिसिस, सुपर मेस कॉन्सेप्ट क्या होता है वो, फिर ऐसे फर्दर हम कंटिन्यू आगे करते चले जाएंगे और आप हम एक अच्छे खासे फॉर्म के साथ इस सभी को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। आपको ये होमवर्क दिया गया था क्वेश्चन, आई होप आपने होमवर्क किया होगा। एक बात और, हाँ, होमवर्क क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसके सोल्यूशन मैंने नहीं कराए हैं, वो मैं आपको सैटरडे संडे में वीडियो बना के करा दूंगा एक साथ पूरा, ठीक है? डोंट वरी, आप परेशान मत हो। जो क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप उस क्वेश्चन नंबर को बता दीजिए कि सर इस वीडियो में, इस डे में ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, इसका मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। कमेंट में आप लिखिए, आफ्टर द वीडियो कमेंट आता है नीचे लिखने के लिए, उसमें आप लिखिए मोस्ट वेलकम है, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपसे कहा था केसीएल में क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये नोड है, ठीक है? अगर ये V1 है तो ये भी V1 होगा और आपका ये भी V1 होगा। भाई क्या है आपका सब, मान लो अगर ये V2 है तो ये भी आपका V2 होगा और आपका ये भी आपका V2 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभी आपके सेम वोल्टेज पर हैं। अगर ये V1 है तो पूरा आपका V1 होगा, ये V2 है तो पूरा आपका V2 होगा। आया समझ में? और जो आपका नीचे है इसको आप बोल देंगे रेफरेंस पॉइंट। ये आपका रेफरेंस मतलब क्या होता है, आपका जीरो पर। याद आया, कल हमने पढ़ा था ये। और मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन जरूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप क्वेश्चन करेंगे ना तो विद इन सेकेंड क्वेश्चन बनेंगे, आप देखना, ठीक है? चलिए भाई, अब यहाँ पर मैं देखूँ तो सिंपल सा, अगर V1 पर मैं KCL लगाता हूँ, आप जानते हो KCL क्या होता है, मतलब कि नोड पर, नोडल एनालिसिस में आप KCL यूज करते हो, तो KCL एट नोड 1, ठीक है? अब एट नोड 1 देखो आप क्या क्या इनकमिंग, क्या क्या आउटगोइंग है, तो यहाँ पर उन्होंने पहले से ही मार्क कर रखा है, तो आपको मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप V1 देखो, V1 में क्या आ रहा है, V1 में आपका 4 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है, आपका I1 और I2 जा रहे हैं, मतलब इनकमिंग क्या है 4 एंड 2, आउटगोइंग क्या है I1 एंड I2। तो आप जानते हैं KCL से क्या होता है, इनकमिंग करंट का सम इक्वल टू आउटगोइंग का सम। तो यहां पे आप आराम से लिखेंगे I1 प्लस I2 इक्वल टू 4 प्लस 2, यानी कि आपका 6, इक्वेशन नंबर 1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सेकेंड बोल रहे हैं आप एट नोड 2, ठीक है? एट नोड 2 क्या होगा, चलिए देखते हैं फटाफट। फिर मैंने आपसे बोला नोड 2 पर आप देखिए, नोड 2 आपका ये रहा, इनकमिंग क्या है सर, 2 एम्पियर जा रही है, आउटगोइंग है ना ये V2, यहां पर भी तो V2 है, यहां पर तो V2 है, तो पूरा सेम नोड है, एक ही नोड है, विजुलाइज हो रहा अच्छे से ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आपका ये आउटगोइंग है और I3 भी आउटगोइंग है, I4 भी आउटगोइंग है, लेकिन आपका 5 एम्पियर इनकमिंग है। बात समझ में आ गई, इनकमिंग है ना, तो क्या बोलोगे आप, सम ऑफ इनकमिंग इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। इनकमिंग कितनी है, ओनली 5 है, आउटगोइंग क्या है आपका 2 है, प्लस I3 है, प्लस I4 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ से
आपका टू इधर जाएगा, क्या रहेगा माइनस का थ्री हो जाएगा कि प्लस का थ्री होगा, प्लस का थ्री होगा ठीक है। तो यहां से क्या आपका आई टू आई थ्री प्लस आई फोर इक्वल टू थ्री, इक्वेशन नंबर टू। कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो थोड़ा सा ध्यान लीजिएगा ठीक है। चलिए यहां तो ठीक है, आपकी दो इक्वेशन बन गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई वन, तो आप बोलोगे सर आई वन की जो वैल्यू होगी वो होगी सर वी वन माइनस जीरो अपॉन में फाइव। ये कल मैंने आपको सिखाया था, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सीखना, अगर आप ये सीख गए तो मामला सेट है ठीक है, आपका वी वन बाई फाइव आ गया। आई टू क्या होगा सर, आई टू जो होगा वो होगा वी वन माइनस जीरो बाई टेन, यानी आपका वी वन बाई टेन। चलो बहुत बढ़िया। आपका आई थ्री क्या होगा सर, आई थ्री जो होगा वो होगा वी टू माइनस जीरो अपॉन में टेन, यानी कि आपका वी टू बाई टेन। सर आई फोर क्या होगा, अरे आई फोर तो बहुत सिंपल है, आपका जाएगा वी टू माइनस जीरो बाई फाइव, आपका वी टू अपॉन में फाइव हो गया। अच्छा कैसे लिखा मैंने, फिर से आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, देख लीजिए आई वन कहाँ फ्लो हो रहा है आपका, वी वन से रेफरेंस नोड, रेफरेंस नोड क्या है आपका जीरो है, तो वी वन माइनस जीरो अपॉन में फाइव, हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज अपॉन में फाइव, वी वन माइनस जीरो अपॉन में फाइव, वी वन बाई फाइव। आई टू कहाँ फ्लो हो रहा है, फिर आपका ये वी वन जो है वो वी वन यहाँ पर रहेगा, तो वी वन माइनस जीरो अपॉन में टेन, वी वन माइनस जीरो बाई टेन, आपका वी वन बाई टेन आ गया। फिर आपका आई थ्री किधर है, आपका यहाँ पर है वी टू अपॉन वी टू आया होगा, यहाँ वी टू है तो यहाँ वी टू होगा, यहाँ वी टू होगा, तो वी टू माइनस जीरो बाई टेन, तो वी टू माइनस जीरो बाई टेन, वी टू बाई टेन आ गया। आई फोर कितना आया, वी टू बाई फाइव आया। आपको निकालना क्या था, आपको करंट निकालनी थी, आई वन आई टू आई थ्री आई फोर निकालनी थी। चलिए भाई अब आप निकाल लोगे आराम से ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है चीज़ें, ओके परफेक्ट, अब सही चल रहा है। तो फिर थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका क्या है, आई वन प्लस आई टू इक्वल टू सिक्स है। आई वन है कितना, वी वन अपॉन में फाइव है। आई टू कितना है, आई टू कितना है आपका, वी वन अपॉन में टेन है, इक्वल टू सिक्स आ गया। तो कितना हो गया यहाँ से, आप टेन लोगे एलसीएम, तो ये टू वी वन हो जाएगा प्लस वी वन इक्वल टू सिक्स, तो यहाँ से आपका थ्री वी वन आ जाएगा, सिक्सटी हो जाएगा। इट मीन्स वी वन कितना आ गया आपका, ट्वेंटी आ गया, ट्वेंटी आ गया ना, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है। मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर वी टू क्या होगा, चलिए देखते हैं भाई। अगर आप सेकेंड क्वेश्चन देखो तो क्या होगा आपका, दिया हुआ है आई थ्री प्लस आई फोर इक्वल टू थ्री गिवेन है। आई थ्री कितना है सर, आई थ्री वी टू बाई टेन है, आपका आई फोर कितना है, वी टू अपॉन में फाइव है, इक्वल टू थ्री हो जाएगा। यहाँ से आप टेन एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपका आ जाएगा ये वी टू और आपका आ जाएगा टू वी टू इक्वल टू थ्री, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको फाइनली थ्री वी टू इक्वल टू थर्टी, देन वी टू इक्वल टू आ जाएगा आपका टेन। कोई दिक्कत यहाँ तक, आपको वी वन और वी टू की वैल्यू मिल गई है। अब आप कोई भी करंट निकाल सकते हो ठीक है। आई वन क्या होगा, वी वन बाई फाइव, तो आपका वी वन ट्वेंटी है, ट्वेंटी बाई फाइव कितना फोर आ जाएगा। आई टू कितना है, वी वन बाई टेन है सर, तो ट्वेंटी बाई टू आपका टू आ जाएगा। आई थ्री कितना है सर, वी टू बाई टेन है, वी टू कितना आपका टेन है, तो आपका टेन बाई टेन वन आ जाएगा। आई फोर कितना है, वी टू बाई फाइव है, आपका टेन बाई फाइव करो आपका टू आ जाएगा। तो आपके जो आंसर्स होंगे आपको ये मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, आप यहाँ पर लिख लो, आपको दिया गया है, आपको क्या मिला, आपको मिला सर जो V1 है वो कितना मिला आपको, आपको मिल गया 20 ठीक है। अब V1 20 मिलने से क्या फ़ायदा होगा, आपको I1 और आपको I2 मिल जाएगा। I1 कितना है आपका, यहाँ से आप देखो ये V1 हो जाएगा, ये आपका V2 हो जाएगा। I1 कितना है, V1 वन बाई फाइव है, तो V1 वन बाई फाइव आपका 20 बाई फाइव आपका कितना आ गया, 4 एम्पियर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 4 एम्पियर ठीक है। आपका I2 कितना होगा, यहाँ पे V2 है आपका, ये V1 है ना, यही V1 आपका यहाँ भी होगा, V1 वन बाई टेन हो जाएगा, तो V1 वन बाई टेन आपका 20 बाई टेन कितना आ गया, 2 एम्पियर, तो आपका 2 एम्पियर दिख रहा है ना आपका I2, ये दिख गया आपको। अब आपका V2 जो होगा वो देख लेते हैं, तो आपका V2 क्या दिया है, आपका V2 जो गिवेन है वो आपका आया है 10, आपका V2 10 आ गया। अब V2 से क्या निकलेगा आपका, देखो आप V2 आपका है ना, V2 V2 आपका I3 निकलेगा, आपका I4 निकलेगा। I3 कितने आएगा आपका, आपका I3 आ जाएगा, कितना है आपका I3, देखो आप तो यहाँ से V2 बाई 10 है, तो V2 कितना आपका, V2 बाई 10 आपका 10 बाई 10 कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 एम्पियर।
आपका आई फोर कितना होगा भाई, वी टू अपॉन में फाइव आपका हो जाएगा, टेन अपॉन में फाइव आपका दो आ गया, ठीक है, आपका ये दो एम्पियर आ गया। ठीक, कितना सिंपल है ना जी, कहीं कुछ टफ लगा आपको? बिल्कुल टफ नहीं है। अब हाँ, मुद्दा ये आता है यहाँ पे आपको एक ही दो क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि इसमें आई वन आई टू ही पूछेंगे, तो ये प्रैक्टिस के लिए है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपका केसीएल जितना स्ट्रांग होगा, आप क्वेश्चन उतना ही फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कहीं कोई समस्या हो, कोई कोई दिक्कत हो, आप प्लीज़ कमेंट करिए, मोस्ट वेलकम है, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला प्यारा सा क्वेश्चन, देखते हैं क्या करना है इसको। ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, क्या करना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे करना है फाइंड द वी नॉट, आपको ये वी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको अभी तक क्या याद है, आपको केसीएल पढ़ा है आपने, ओम्स लॉ पढ़ा है आपने, केसीएल केवीएल पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा है आपने। अगर उससे आप करने बैठेंगे तो ये तो हो चुका होगा नहीं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा ना, नोडल एनालिसिस आपका बेस्ट मेथड होता है। केवीएल लगाएंगे तो भी इसमें दिक्कत होगी, फिर आपका थ्योरम्स भी हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो केसीएल लगाते हैं यहाँ पे, आपका नोडल लगाते हैं सिंपल। तो नोडल लगाएंगे तो क्या होगा, देखो भाई, ये जो आपका वी नॉट है, ये वी नॉट क्या होगा, आपका वी नॉट यहाँ आ जाएगा ना, कैसे आएगा वो देखिए, ये आपका रेफरेंस नोड हो गया, ठीक है। अब ये जो वी नॉट है, यही आपका वी नॉट होगा, ठीक है, या इसको अगर आप वी वन मान लेते हो सपोज दैट, तो वी वन इक्वल टू वी नॉट होगा, कैसे, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वी नॉट है, ये यहाँ पे वी नॉट होगा, तो वी नॉट यहाँ पे ग्राउंड क्या है, जीरो है, तो वी नॉट हो गया ना आपका, हो गया नहीं हो गया। अगर मुझे यहाँ पे निकालना हो, सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से प्रॉपरली, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे वोल्टेज जो है वो वी वन है, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, वी वन होगा, यहाँ पर कितना होगा आपका, वी वन ही होगा, ठीक है, वी वन होगा ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये आपका ग्राउंड है, ये भी आपका ग्राउंड है, ये भी आपका ग्राउंड है, अब मुझे वी वन निकालना है, मान लो ये वी टू होता सपोज दैट, इसको मैंने वी टू मान लिया, ठीक है, तो वी वन टू अगर मुझे निकालना होता क्या होता, वी वन माइनस वी टू होता, यहाँ पे वी वन आपका वी वन ही रहेगा, आपका वी टू क्या है, जीरो है, तो वी वन टू एक्चुअली क्या हुआ, आपका वी वन हो गया। इट मीन्स इसको मैं वी वन लिख सकता हूँ, अभी जो वी वन है यहाँ पे वी नॉट दिया है ना, यहाँ पे कोई और वोल्टेज है क्या, कोई नहीं है, तो वी वन जो आपका होगा वो V नॉट के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आप बोलोगे सर यहाँ पे एक डाउट आपको ये आएगा कि सर ये जो आपका V1 है ये 20 हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर करंट फ्लो होगा, जो यहाँ पर वोल्टेज आएगा, ये पूरा वोल्टेज आपका यहाँ पे V1 होगा, ठीक है। इट मीन्स ये सभी पैरेलल में है, तो जो V नॉट की वैल्यू आएगी वही हर जगह होगी। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, तो मैं इसको पूरा रफ करता हूँ अच्छे से और करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये आपका वी वन बोलिए या आप इसको वी नॉट बोलिए, दोनों बात एक ही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए लगाते हैं केसीएल, लगा दो भाई एट नोड वन, लगा दिया हमने एट नोड वन, लगा दो। अब एट नोड वन पे आपने मान ला ये कि ये आपका आई वन है, ये आपका आई टू फ्लो हो रहा है, और इधर आपका आई थ्री फ्लो हो रहा है। मीन्स नोड वन से आपकी सारी करंट आउटगोइंग हो रही है, तो क्या होगा आपका यहां से आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू जीरो, ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर वन। अब यहां से अगर मैं पूछूं कि भाई आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू है क्या, तो आप बोलोगे सर आई वन जो है वो क्या होगा, आई वन अगर आप देखो तो क्या होगा वी नॉट, मैं इसको वी नॉट ही लिखता हूँ तो आप कन्फ्यूज रहोगे, तो इसको मैं वी नॉट मान लेता हूँ कि ये वी नॉट ही है, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? चलिए ये आपका वी नॉट है, तो वी नॉट माइनस का 30 अपॉन में 2k। आई टू क्या होगा सर, वी नॉट माइनस का 20 अपॉन में 5k। आई थ्री क्या होगा सर, वी नॉट अपॉन में 4k, v नॉट माइनस जीरो होगा या v नॉट अपॉन में 4k। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रहा चीज़ें, चलिए परफेक्ट। चलिए देखते कैसे आया क्वेश्चन का, इसका कैसे आया ये। i1 जो है आपकी फ्लो हो रही है ऐसे, तो हायर वोल्टेज आपका v नॉट है, यहाँ पर 30 वोल्ट दिया हुआ है, अब आपका ये प्लस है, ठीक है, तो v नॉट माइनस 30 हो जाएगा आपका, हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर ये वोल्टेज यहाँ पर दिया है तो कैसे करेंगे, वोल्टेज यहाँ पर दिया हो या टू के नीचे दिया हो या ये वोल्टेज उठाकर यहाँ पर रख दे तो भी आपका सेम यही आने वाला है, घबराने का नहीं, ठीक है। चलो भाई,
अगर सपोज दैट यहाँ पर माइनस ऊपर होता प्लस नीचे होता तो आपका ये वी नॉट प्लस 30 हो जाता। वो अलग केस है, वो हम बात बात करेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे सॉल्व तो समझ में आएगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं अभी तो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आई वन क्या आ गया आपका वी नॉट माइनस 30 बाई 2K। आई टू क्या होगा वी नॉट माइनस 20 अपॉन में 5K। मीन्स जो जिस जिस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है वही हमको देखना है बस। ठीक है, अब वी नॉट जो आपका है, आई थ्री जो आपका है वो क्या हो रहा है, इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे देखो आपका वी नॉट होगा, ये वैल्यू क्या है, वी नॉट ही होगी ना, वी नॉट माइनस जीरो। जीरो कैसे, ये आपका रेफरेंस नोड है नीचे, जीरो अपॉन में 4K, वी नॉट बाई 4K आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही चल रहा है। सही चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो कमेंट करिए, मोस्ट वेलकम है आफ्टर द वीडियो। ठीक है, अभी आप कमेंट करेंगे तो मैं नहीं देख पाऊंगा आफ्टर द वीडियो। ठीक है, चलिए भाई अब आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, पुट कर देते हैं सर। तो आई वन की वैल्यू क्या है, V नॉट माइनस 30 अपॉन में 2K। I2 की वैल्यू क्या है सर, V नॉट माइनस 20 अपॉन में 5K। प्लस I3 की वैल्यू क्या है सर, V नॉट अपॉन में 4K। अब एक K तो दिया है, इससे आप घबराओ मत, आपका यहाँ पे LCM क्या आएगा, सिंपल 20 आ जाएगा। चलिए 20 आया तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये 10 V नॉट हो जाएगा प्लस माइनस सॉरी माइनस 2 से आप 10 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, ये 300 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे आपका जब 4V0 आ जाएगा फिर क्या होगा, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। प्लस आपका जाएगा यहाँ से 5V0 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे आगे फर्दर तो क्या होगा, अगर आप देखो तो 10 4 5 कितना हुआ 19V0। अब 300 और आपका 80 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 380। अब ये जीरो मल्टीप्लाई पर 2 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको V0 क्या मिल जाएगा, सिंपली आपका मिल जाएगा 19V0 कर लीजिए आप यहाँ से, तो आपका 380 आ जाएगा। इट मीन्स V0 कितना आ गया आपका, 20V आ गया। कितना आ गया, 20V। तो आपका आंसर कितना आ गया, 20V। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स अगर अब आप देखो तो एनालिसिस करते हैं सर्किट का प्रॉपरली, आपका आंसर आ चुका है। अब इसको एनालिसिस करते हैं, ये तीनों ही पैरेलल में है, अगर ये 20V है तो गारंटेड है ये भी आपका 20V यहाँ पर होना चाहिए, और गारंटी यहाँ पे आपका 20V होना चाहिए। तो 20V कैसे होगा, अगर आप I1 की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर तो 2 किलो ओम है आपका, I1 कैसे आएगा भाई, 20 आपका गिवन है तो I1 क्या है, 20 माइनस 30 बाई 2 कितना आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। चलो मैं निकाल लेता हूँ, अब ये एनालिसिस है, आपका आंसर हो चुका है। 20 यहाँ लिख दो, 20 माइनस 30 कितना आएगा आपका, माइनस 10, माइनस 10 बाई 2 क्या होगा आपका, माइनस 5 आ जाएगा। I2 कितना आएगा आपका, 0 आ जाएगा। I3 कितना आएगा आपका, आपका आ जाएगा सीधे सीधे भाई 20 है 4 आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 ये मिली एम्पियर होगा और ये भी आपका मिली एम्पियर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने करंट की डायरेक्शन सपोज की थी ये I1 नीचे की ओर, एक्चुअल में ये I1 आपका ऊपर की ओर था। ठीक है, मतलब ऐसे ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसे जाएगा, ये कितना है आपका 5 मिली एम्पियर है। अब यहाँ पर आप आए तो I2 आपका 0 है, तो भाई इस नोड पर V0 पर आपका जो नोड पर जो करंट आएगी वो पूरी आपके पास होनी चाहिए ना, 5 मिली एम्पियर आ रही है। यहाँ पे अगर 0 जा रहा है इसका मतलब I3 क्या हो गया, 5 मिली एम्पियर होगा, जो कि हमारा आंसर भी आ रहा है 5 मिली एम्पियर। तो आपका ये हो जाएगा 5 मिली एम्पियर। ठीक है, यानी कि हमारा KCL सेटिस्फाइड है, मीन जितनी हमारी करंट यहाँ पर आई उतनी करंट ये इसने भेज दी। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 मिली एम्पियर है तो यहाँ पे क्या होगा, 5 × 10। अब ये 10V जो यहाँ पर आएगा, 10V को 30 से आप माइनस करोगे 20 आ जाएगा। यहाँ पर 20 ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या होगा 5 किलो ओम में वोल्टेज कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि आपका I2 0 है, तो यहाँ पर 0V आएगा 5 किलो ओम पर, और आपका ये 20 है तो आपका 20 सब में आ गया। तो ये होता है प्रॉपर एनालिसिस। अब आप पावर निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, जो आप चाहो वो निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है तरीका क्वेश्चन करने का। अभी आप सीख रहे हैं तो आप सीखिए अच्छे से, बाकी नोडल जब आप एकदम मास्टर हो जाओगे ना तो विद इन 1 मिनट आप क्वेश्चंस को एकदम उड़ा दोगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज, यानी सुपर नोड कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देखते हैं हम। तो क्या होता है आपका सुपर नोड कॉन्सेप्ट, केस वन यानी कि अब अभी तक आपने देखा कि नोडल एनालिसिस जितनी भी आपने की है सब में वोल्टेज सोर्स आपका करंट सोर्स था सिंपली। ठीक है, कुछ में वोल्टेज सोर्स, कुछ में करंट सोर्स था। तो आज हम बात करेंगे इसमें कि आपका अगर नोडल एनालिसिस आप कर रहे हैं तो उसमें वोल्टेज सोर्स हैं,
तो दो केस होते हैं वोल्टेज सोर्स के। तो पहला केस देखते हैं, केस वन, इफ अ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन द रेफरेंस नोड, रेफरेंस नोड आप जानते हो कौन सा, ये आपका ग्राउंड जो होता है रेफरेंस नोड, एंड अ नॉन रेफरेंस नोड, वी सिंपली सेट द वोल्टेज एट द नॉन रेफरेंस नोड इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ दैट वोल्टेज सोर्स इन फिगर फॉर एग्जाम्पल। इनका कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक केस है कि आपका जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए आप 10 वोल्ट लगा हुआ है ना, ये 10 वोल्ट आपका रेफरेंस नोड मीन्स जो ग्राउंड आपने कर रखा है वो, और आपका नॉन रेफरेंस नोड यानी V1, इनके बीच में लगा होता है, तो जो वोल्टेज सोर्स आपका यहाँ पर 10 वोल्ट है ये उस नोड की वैल्यू हो जाती है, मीन्स V1 इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पर आपका 10 वोल्ट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, जैसे कि आपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन देखा था यहाँ पे V0 वाले केस में, ये V0 वाला केस, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने देखा बड़ा मजा आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पहला केस, यहाँ पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराना कहाँ पे है वहाँ पे देखते हैं, घबराना भी नहीं है वो बस कह रहा हूँ ऐसे ही, चलिए आते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं ये, इफ द वोल्टेज सोर्स, अब वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो डजंट मैटर, मीन्स चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, ठीक है, इज कनेक्टेड बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड, यानी कि दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर कोई वोल्टेज सोर्स है, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, द टू नॉन रेफरेंस नोड फॉर्म अ जनरलाइज्ड नोड और सुपर नोड, वी अप्लाई बोथ KCL एंड KVL टू डिटरमाइन द नोड वोल्टेजेस। भाई बस समझ में नहीं आया, चलिए देखते हैं। यहां पर 10 वोल्ट जो था आपका, ये नॉन रेफरेंस नोड V1 और रेफरेंस नोड के बीच में था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, आपका V1 का वैल्यू सीधे 10 आ गया, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे 5 वोल्ट देख रहे हैं आप, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे डिपेंडेंट भी हो सकता है, डायमंड शेप वाला, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, तो V2 और आपका V3 ये दोनों क्या है, नॉन रेफरेंस नोड हैं, तो यहाँ पर अगर आपका वोल्टेज सोर्स आ जाता है तो आपका ये सुपर नोड का कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पर अगर करंट सोर्स रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपने देखा ना करंट सोर्स वाला क्वेश्चन, होमवर्क वाला, देखो ना ये आपका नॉन रेफरेंस नोड के बीच में करंट सोर्स है ना, तो आपका ये सुपर नोड कॉन्सेप्ट नहीं होगा, याद रखिएगा, क्लियर। आपका सुपर नोड कॉन्सेप्ट कब लगेगा, जब यहाँ पर वोल्टेज हो जाता तो आपका सुपर नोड कॉन्सेप्ट लगता, गॉट इट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एक आपका एग्जाम नोट है, अ सुपर नोड इज फॉर्म्ड बाई इंक्लोजिंग अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड एट एनी एलिमेंट्स कनेक्टेड इन पैरेलल विद इट, क्लियर। मीन्स दोनों ही नोड नॉन रेफरेंस होने चाहिए, ये नहीं कि आप 10 वोल्ट को सुपर नोड बोल दो, नहीं, दोनों ही नॉन रेफरेंस होने चाहिए, प्लस ये डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन वोल्टेज सोर्स होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात ये है, करंट सोर्स होगा तो आपका ये सुपर नोड फॉर्म नहीं करेगा। आई बात समझ में, क्यों नहीं करेगा भैया, KCL है, किरचॉफ करंट ला, अब यहाँ मान लो करंट सोर्स होता क्या बोल देते आप, इनकमिंग करंट बोल देते, कोई दिक्कत नहीं थी, वोल्टेज सोर्स में आप करंट कैसे फाइंड करोगे, नहीं करोगे ना। चलिए अगर ऐसा केस आता है तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी को हम देखने वाले हैं। सुपर नोड समझ आया, सुपर नोड क्या होता है, हाँ सर समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि आप KCL और KVL दोनों लगाते हो सुपर नोड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ पर आने के बाद आपने क्या देखा कि भाई कि आपके पास कुछ ऐसा सेटअप है, तो पहले आप लगाओगे KCL, तो ये जो आपका V2 है और आपका जो V3 है इसको आप नोड 1 मान लेते हैं, यानी कि ये दोनों मिलाकर एक ही नोड है, सेम नोड पर हैं, गॉट इट। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये दोनों को आप एक ही नोड मान लेते हो, यानी कि आपका ये एक ही नोड है, गॉट इट। चलिए सर समझ में आ गया। अब आप देखो जो करंट आपकी आ रही है, यहाँ पे देखो I1 है, ये आपका I2 है, ये आपका I3 है, ये आपका I4 है, ये पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने सब कुछ सपोज नहीं किया है, यहाँ पे गिवन था, ठीक है, आप इसको मान भी सकते हो, यहाँ पे देखो दिया है ना I1 I2 I3 I4 सब दिया हुआ है पहले से, ठीक है, तो वही हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो हमने क्या बोला कि ये आपका एक नोड है, पूरा सिंगल नोड है। अब सिंगल नोड है तो क्या बोलोगे आप, यहां पे आप लिख दो कि सर KCL एट सुपर नोड, क्या लिखोगे, KCL एट सुपर नोड। अच्छा सुपर नोड क्यों बोला आपने, भाई आपने दो नोड्स को मिलाकर एक नोड कर दिया तो ऑब्वियस बात है सुपर नोड ही हो गया ना, कुछ ऐसा, ठीक है। चलिए
क्या इनकमिंग है क्या आउटगोइंग है, चलिए वो देखते हैं। इनकमिंग क्या है आपका, आई वन इनकमिंग है, आई फोर आपका इनकमिंग है, ठीक है। ये आपका एक नोड है, इसको मैंने बोला ना आप एक नोड सपोज कीजिए, ये आपका एक नोड हो गया, आई वन आपका इनकमिंग है, आपका आई फोर इनकमिंग है। आउटगोइंग क्या है आपका, आई टू आपका आउटगोइंग है, आई थ्री आपका आउटगोइंग है, आप यहाँ पे खड़े होकर चेक कर रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ यहाँ से आपका, आई वन प्लस आई फोर इक्वल टू आई टू प्लस आई थ्री, ये आपका हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन। इसको आपने केसीएल की मदद से निकाला, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। अब आपको केवीएल भी लगाना है, ठीक है, तो केवीएल लगाओगे आप, तो केवीएल के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, केवीएल एट सुपर नोड, क्योंकि सुपर नोड जब सॉल्व करते हैं आप, तो केवीएल के साथ आपको दोनों लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए भाई इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, हटा दिया मैंने। अब यहां से आप ध्यान से देखो, आपको लगाना है केवीएल, तो जो आपका V2 है, V2 पे देखो आप, तो क्या आपका ये पॉजिटिव साइड में आपका है, आपका V3 क्या है, ये नेगेटिव साइड में है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि V2 माइनस V3 इक्वल टू 5, ये गलत है क्या? अरे नहीं सर, बिल्कुल गलत नहीं है, आपने ये सिखाया, हम सीखते आ रहे हैं, हमको याद पता भी है, ये आपका गलत नहीं है, ठीक है, डन। यानी कि आपका V2 ये वोल्टेज है, नोड वोल्टेज है, ये आपका V3 नोड वोल्टेज है, और आपका ये 5 है, तो V2 माइनस V3, यानी कि V2 आपका पॉजिटिव साइड में है, सपोज ये पॉजिटिव इधर होता तो क्या होता, V3 माइनस V2 हो जाता, बस क्लियर हो गया। ये दो क्वेश्चन आपने निकाल ली, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, मुद्दा ये है इक्वेशन कैसे लिखनी है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए अब इसी को मैं आपको विजुलाइज कराता हूँ, देखिए ये तो केसीएल के लिए हो गया था, आपने लगा लिया। केवीएल के लिए क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने इस पूरे फिगर को आपने हटा दिया, पहले क्या किया आपने, पहले इस फिगर को आपने ढका था, इस फिगर को आपने पहले ढक दिया था, जस्ट वेट, इस वाले फिगर को, ठीक है, इतना आपने पहले ढक दिया था और आपने केसीएल लगाया था। सेकेंड केस में क्या होगा, जब आप केवीएल लगाओगे, ये केसीएल के लिए केस था, जब केसीएल लगाते हो, जब आप केवीएल लगाओगे तो आप सबको भूल जाएंगे, बस जो आपने गायब किया था उसको ही आप क्या कर दोगे, ओपन कर दोगे, कुछ ऐसा। अब यहाँ पर आप इस तरह करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, कि हाँ सर कैसे, मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर मुझे यहाँ केवीएल लिखना है तो क्या करेंगे आप, यहाँ से आप चले माइनस का वी टू प्लस का फाइव प्लस का वी थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका वी टू माइनस वी थ्री इक्वल टू फाइव, आपका वही आने वाला है जो मैंने आपको बताया ना, वही आपका आने वाला है। तो जल्दी से करने के लिए आपको ऐसा ही मेथड फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि वो तो करेंगे आप फिगर बनाएंगे तो करेंगे, तो V2 माइनस V3 अपॉन 5, तो वही आपका आने वाला है, सेम आंसर आने वाला है। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए क्लियर है, आगे बढ़े हम, सुपर नोड समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं एक प्यारा सा, उसके पहले आपका प्रॉपर्टी क्या है, द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सुपर नोड, पहला प्रॉपर्टी क्या है, द वोल्टेज सोर्स इनसाइड द सुपर नोड, सुपर नोड में वोल्टेज सोर्स ही होगा, करंट सोर्स तो होगा नहीं, प्रोवाइड्स अ कॉन्स्टेंट इक्वेशन नीडेड टू सॉल्व फॉर द नोड वोल्टेज। मीन्स इन्होंने क्या बोला कि जो आपका सुपर नोड है या आपका जो वोल्टेज सोर्स है आपको एक इक्वेशन प्रोवाइड करता है, यहाँ पे आपको क्या मिला इक्वेशन V2 माइनस V3 इक्वल टू 5, ये आपको सॉल्व करने में आसानी रहेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, ठीक है। सेकेंड क्या है, अ सुपर नोड हैज अ नो वोल्टेज ऑफ इट्स ओन, इन्होंने क्या बोला सुपर नोड का कोई अपना वोल्टेज नहीं होता, क्यों भाई, सिंपल सी बात है, आपने V2 और V3 क्या कर दिया, कंबाइन करके आपने KCL लिखा, तो इसका खुद का वोल्टेज हो गया नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या दिया है, अ सुपर नोड रिक्वायर्ड एप्लीकेशन ऑफ बोथ KCL एंड KVL, कैसे सर, देखो आपने यहाँ पर क्या देखा, ये आपका सुपर नोड सर्किट है, आपने पहले KCL लगाया फिर आपने KVL लगाया, आपने दोनों का यूज किया, आपसे ये थ्योरी में पूछता है कि भाई सुपर नोड अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको KCL और KVL दोनों ही लगाना पड़ेगा, ये स्पेशल केस ऑफ क्या होता है, सुपर नोड। कैसे पहचानेंगे आप सर, जब दो नॉन रेफरेंस वोल्ट नोड होंगे उनके बीच में वोल्टेज सोर्स होगा तभी, करंट सोर्स में नहीं, ओनली वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, तभी आपका सुपर नोड होगा, गॉट इट। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं प्यारा सा, तो आपके लिए क्वेश्चन हाजिर है एकदम प्यारा सा, क्या देखा आपने भाई, आपके पास यहाँ पे क्या देखा आपने, सर्किट देखी बहुत आराम से, जस्ट वेट, क्या देखा आपने भाई, यहाँ पे V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ पे रेफरेंस नोड है, अच्छा V1 आपका नॉन रेफरेंस है, V2 आपका नॉन रेफरेंस है, वोल्टेज, अरे वोल्टेज आ गया, मामला गड़बड़ हो गया, इट मींस ये आपका सुपर नोड कॉन्सेप्ट आ गया,
इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये गायब करना पड़ेगा। अब आपको करंट निकालनी है, तो यहाँ पे 2 एम्पियर दिया है, यहाँ पे 7 एम्पियर ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको ये जो 2 ओम है और आपका ये 4 ओम है, यहाँ पे करंट क्या होगी, आप डायरेक्शन खुद से डिसाइड कर लो। तो डिसाइड कर लिया हमने भाई कि आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा I1 और ये आपका हो जाएगा I2। अच्छा, अब आप बोलोगे सर लगे हाथ, तो यहाँ भी डिसाइड कर दो आप V1 से V2 की ओर, तो यहाँ पर करंट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप सुपर नोड कॉन्सेप्ट लगाते हो तो आप V1 और V2 को सेम नोड मान लेते हैं, ठीक है, इसको आप गायब कर देते हैं। अगर ये गायब हो गया भाई, V1 V2 सेम है नोड पे हैं और इसके पैरेलल में 10 ओम है, तो ये भी तो गायब हो जाएगा। तो यही थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ऐसे सर्किट में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए, क्लियर है, तो आपका वो भी गायब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गया। अब लगाइए KCL एट सुपर नोड, तो KCL एट सुपर नोड, ठीक है, KCL एट सुपर नोड लगाओ भाई। कैसे लगाएंगे आप? यहां पे आप देखो तो क्या होगा, सुपर नोड पर आपका 2 एम्पियर इनकमिंग है, 2 एम्पियर आपका इनकमिंग है, I1 आपका आउटगोइंग है, I2 आपका आउटगोइंग है, और आपका आई जो आपका 7 एम्पियर ये भी आपका आउटगोइंग है। अरे वाह, तो कोई बात नहीं, आप लिख दो आपका 2 इनकमिंग है इक्वल टू I1 आपका आउटगोइंग है प्लस I2 आपका आउटगोइंग है प्लस 7, इक्वेशन नंबर 1। चलिए सर हो गया, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, तो आप बोलोगे सर I1 की वैल्यू बहुत सिंपल है, V1 माइनस जीरो बाई 2, यानी कि V1 अपॉन में 2, ये तो हम करते आ रहे हैं बचपन से। I2 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा V2 माइनस जीरो बाई 4, क्या देगा यहाँ से V2 अपॉन में 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, फिर से देख लो आप, मैं आपको बता चुका हूँ, ये बार बार नहीं बताऊँगा मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है, अभी आप सीख रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। V1 माइनस जीरो बाई 2 V2 माइनस जीरो बाई 4। अब आपको कन्फ्यूजन होगा सर यहाँ पे तो V1 V2 आपने सेम नोड मान लिया है, तो मैंने आपको क्या बोला KCL लगाने के लिए, लेकिन जो करंट आपकी होगी वो तो V1 ही रहेगी ना, वो तो आपकी V2 रहेगी ना, ये थोड़ी है कि आपका नोड वो हो जाएगा बदल जाएगा, बात क्लियर है। तो आपका I1 क्या होगा V1 बाई 2, I2 क्या होगा V1 बाई 4। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, सॉल्व कर लेते हैं लगे हाथ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका I1 प्लस I2 इक्वल टू -5 आ जाएगा। और सॉल्व कर लीजिए आपका I1 क्या है V1 अपॉन में 2 प्लस I2 क्या है V2 अपॉन में 4 इक्वल टू -5। आप फर्दर सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपका, यहाँ से आपका 4 LCM आ जाएगा, यहाँ से आपका 2V1 प्लस V2 इक्वल टू क्या होगा -5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2V1 प्लस V2 इक्वल टू -20, इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल गई। अब आपके पास एक इक्वेशन है और 2 अननोन है, ये कैसे सॉल्व होगा सर? तो बस मैंने क्या बोला आपको, आपको सुपर नोड जो है वो आपको एक और इक्वेशन देगा, कैसे देगा चलिए देखते हैं फटाक से, ठीक है। अब आपने लगा लिया KCL, तो लगा लिया आपने, आपका ये काम खत्म हो गया। अब लगाइए आप KVL, तो KVL के लिए क्या होगा आप जानते हैं, मैंने आपसे क्या बोला KVL में। अब यहाँ पर केस क्या हो गया, उल्टा। उल्टा मतलब क्या, पॉजिटिव आपका V2 साइड में है, नेगेटिव आपका V1 साइड में है, तो क्या लिखोगे आप सर? बिल्कुल सही बात आपका, तो क्या बोलोगे आप, KVL एट सुपर नोड, ठीक है। तो क्या होगा आपका यहाँ से V2 माइनस V1 इक्वल टू 2 वोल्ट, इक्वेशन नंबर 2। जैसे आपने पिछले वाले केस में क्या हुआ था, आपका ये प्लस इधर था माइनस इधर था, तो आपका V2 माइनस V3 हुआ था, वैसे आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपको प्लस माइनस ध्यान रखना है, बस हो गया। अब आपके पास 2 इक्वेशन मिल गई, आपका एक V2 माइनस V1 इक्वल टू 2 है, आपका ये वाला क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको भाई, 2V1 प्लस V2 इक्वल टू -20, और यहाँ पे -V1 प्लस V2 इक्वल टू 2, इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे 3V1 इक्वल टू आ जाएगा -22, इट मीन्स V1 कितना आएगा -22/3, यहाँ से कितना आएगा -7.33 वोल्ट आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये आपका आंसर हो गया पहला। वॉट अबाउट V2? सर V2 तो निकालना और आसान हो गया,
अब v2 अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा, v2 आपका देखा है v2 माइनस v1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 2 से, तो यहाँ से v2 कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका v2 आ जाएगा सिंपल सा आपका आ जाएगा यहाँ से v2 इक्वल टू 2 प्लस v1, v1 कितना आपका दिया है माइनस का 7 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान लीजिए हल्का सा, यहाँ क्या रहेगा आपका 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 कितना होगा आपका माइनस 5 हो जाएगा, तो माइनस 5.33 आपका आ जाएगा। तो इट मीन्स आपका जो v1 आ गया है वो कितना आ गया है, माइनस का 7.33 आया, और आपका जो v2 आया है वो आ गया माइनस का 5.33, है ना जी। क्वेश्चन एकदम प्यारो बच्चों वाला, आप खुद से करेंगे टाइमर लगाकर, आप जब भी क्वेश्चन लगाना है केसल के वेल का आप टाइमर सेट करो, टाइमर सेट करके आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको देखना कितना टाइम लगता है, आप मैक्स टू मैक्स 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स अगर आपने आराम से किया तो। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो समझ में आया ना, कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट करिएगा आप। तो ये आपका प्रोसीजर वही है, कैसे करना है आपको, ये फिगर आपका सिंपल सा ये होगा केसीएल के लिए, केस जो आपका है केसीएल के लिए केस आपका क्या हुआ, ये आपका हट गया, ये क्यों हटा आपका, मैंने बताया ना वी वन वी टू आपका सेम था इसलिए आपका ये रेजिस्टेंस हट जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। तो आपका ये आई वन, ये आपका आई टू, ये हुआ केसीएल के लिए, जब केसीएल लिखोगे तो आपका ये फिगर ऐसा बनेगा, ठीक है। ये केवीएल के लिए, तो केवीएल के लिए बेटर है कि आप वही फॉलो करो मेथड मेरा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं फिर से लिखूँ अगर तो क्या होगा, यहाँ से चलोगे आप तो माइनस का वी वन, फिर ये माइनस का 2 मिल जाएगा और ये प्लस का v2 मिल जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस का v1 माइनस का 2 प्लस v2 इक्वल टू 0, तो क्या होगा यहाँ से v2 माइनस v1 इक्वल टू 2, सेम वही जो मैंने आपको बताया v2 माइनस v1, यानी कि आपको क्या देखना है प्लस किधर है माइनस किधर है, तो आपका प्लस का v2 माइनस का v1 इक्वल टू 2, दैट्स इट, ठीक है। चलिए तो आपके लिए होमवर्क रहा, इसको आप सॉल्व करिएगा एकदम आराम से एकदम प्यार से, आपको क्वेश्चन बनेगा, आपका आंसर ये गिवेन है, ठीक है। तो हम हर एक टॉपिक को अलग अलग सेपरेट सॉल्व करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो, आपको मज़ा भी आए वो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि मैं वीडियो फ्रिक्वेंसी आपकी मैं बढ़ा दूँ, मतलब कि 2-3 वीडियो एक साथ अपलोड कर दूँ, दिन में मॉर्निंग में दोपहर में शाम को, जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे, ताकि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी से कवर अप हो जाए, आपका कम्युनिकेशन भी बचा हुआ है अभी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक तो बनता ही है, और आप कर भी देते हो अच्छी बात है, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो अपलोड होती हैं तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ वीडियो अपलोड हुई है, ये आपके भले के लिए ही है, आपका एग्जाम है एनआईसी का, और एकेडमीज मेरा नया चैनल है, इसमें आप अपने भाई बहनों को जो छोटे आपसे हैं जो 6th to 12th पढ़ते हैं, आज 10th का रिजल्ट आया, रिजल्ट भी आया है, तो जो भी आपके भाई बहनों को कांग्रेचुलेशन अगर अच्छे मार्क्स पाए होंगे उन्होंने, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।